देश में क्राइम के बादशाहों का जब नाम आता है तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम भी सामने आता है, और फिर इस कहावत को भी सच कर देता है कनाडा से आने वाला मैसेज जो भेजता है लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद आदमी गोल्डी बराड़। मैसेज आता है, मैं गोल्डी बराड़, इस अपराध की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आखिर कौन है यह गोल्डी बराड़ जो सात समंदर पार बैठकर देश में हत्याएं करवा रहा है? बता दें कि ये किडनैपिंग भी करवाता है, यहाँ तक कि जेल में खूनी खेल भी इसके कहने पर हो जाता है। चलिए बताते हैं आपको कि कौन है गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, रैपर हनी सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, तिहाड़ जेल में खूनी गैंगवार हो गई, हथियारों का जखीरा पाकिस्तान से भारत आ गया। ये तमाम क्राइम की घटनाएं लोगों के होश उड़ा रही है, और इन अपराधों को अंजाम दे रहा है एक शख्स जो देश में रहता ही नहीं है, सिर्फ ईमेल करके अपने किए गए जुर्मों को शान से बताता है कि ये मैंने किया है। रैपर हनी सिंह ने धमकी के बाद दिल्ली पुलिस से मदद ली, एक शिकायत दर्ज करवाई, और शिकायत थी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ। गोल्डी बराड़ ने हनी सिंह को फोन किया और धमकाया कि अगर उसने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उसकी हत्या कर देगा। अब हनी सिंह के पास ये फोन आया तो उनका घबराना लाजमी था। आपको बता दें, ये वही गोल्डी बराड़ था जिसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या करवाई थी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पिछले साल हमला करके मार दिया गया। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली। गोल्डी ने कहा कि बिश्नोई गैंग के नाम पर इस हत्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कौन है गोल्डी बराड़ जो पहले कत्ल करता है और फिर उसे बताना अपनी शान समझता है? बता दें, देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, और ये शख्स गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास दोस्त है, बिश्नोई गैंग का सबसे भरोसेमंद आदमी है। ऐसा शख्स जो बिश्नोई गैंग को विदेशों में फैला रहा है और देश में अपराध करके दहशत फैला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन लॉरेंस का ये खास आदमी सात समंदर पार से हत्याएं करवा के भी खुली हवा में घूम रहा है, और इसी के जरिए लॉरेंस अपने सारे काम भी करवा रहा है। गोल्डी बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। साल 1994 में इसका जन्म हुआ। माता पिता ने इसका नाम रखा सतविंदर सिंह। पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, बेटे को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन सतविंदर उफ गोल्डी ने तो अपनी अलग ही राह चुन ली थी। दरअसल गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हो जाती है, और इस हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी क्राइम का रास्ता चुन लेता है। गोल्डी गैंगस्टर्स के संपर्क में आता है। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई से इसकी मुलाकात होती है, और फिर गोल्डी अपने भाई के कत्ल के आरोपी कांग्रेस नेता की हत्या करवा देता है। इस हत्या के बाद गोल्डी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग जाता है। इसके बाद ये कनाडा से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। कनाडा में बिश्नोई गैंग के तार फैलाना, पाकिस्तान में डीलिंग करवाना, मॉडर्न हथियारों की सप्लाई, ये सारे काम गोल्डी देखता है। बता दें कि गोल्डी बराड़ A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है। इसके खिलाफ पंजाब में कई मामले दर्ज हैं जो इसने कनाडा में बैठकर करवाए। पुलिस के मुताबिक गोल्डी चेहरा बदल बदल कर कनाडा में रहता है ताकि पकड़ा ना जा सके। पुलिस के पास इसकी 5 अलग अलग रूपों की तस्वीरें हैं। इस गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। बीच में इसकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आई थी, लेकिन बाद में वो सिर्फ अफवाह निकली। खबर तो ये भी है कि गोल्डी पिछले कुछ समय में कनाडा छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंच चुका है। सूत्रों के अनुसार इसे डर था कि कनाडा में इसकी हत्या हो सकती है, इसलिए इसने अपनी जगह को बदलना मुनासिब समझा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।